दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत आत्मा अपनी मृत्यु का कारण क्यों नहीं बता पाती? अगर वो बता पाए तो पूरे परिवार की चिंता ही दूर हो जाए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार मृत्यु कैसे होती है और क्यों मृत आत्मा अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाती। हिंदू धर्म की माने तो गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़ी हर बात लिखी है। व्यक्ति की मृत्यु कैसे, कब और किस हालात में होती है? फिर भी एक सवाल लोगों के मन में उठता है कि आखिरकार मृतक आत्मा अपनी मृत्यु का कारण क्यों नहीं बता पाती। अगर वो कारण बता दे तो शायद मृत्यु का रहस्य सुलझाना और आसान हो जाए। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है। हमारे शास्त्र मृत्यु के कारण को लेकर क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मौत की तारीख निश्चित है। जिस दिन भी उसका वक्त पूरा होगा उसे कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि यमदूत तो भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्तों का प्राण लेने से भी पीछे नहीं हटते। जबकि विज्ञान कहता है कि अगर मौत के समय ये पता रहे कि कैसे हुई है या इसकी जानकारी मिल जाए तो मृत्यु के रहस्य को सुलझाया जा सकता है। विज्ञान और धर्म की इस लड़ाई में आम लोगों को कुछ खास समझ नहीं आता, मगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं कि आत्मा मृत्यु का कारण क्यों नहीं बताती। क्योंकि आज के जमाने में ये संभव है कि आप दम तोड़ते व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे डिवाइस लगा कर रख दें कि उसे हर सेकंड की हरकत रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है तो वो बोलने में सक्षम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाता। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब व्यक्ति की मौत यानी मृत्यु निकट आती है तो काल के दूत पाश दंड धारण किए हुए उनके पास पहुँचते हैं। उनका स्वरूप इतना भयानक और इतना क्रोधित होता है कि देखते ही प्राणी के पसीने छूटने लगते हैं। यहाँ तक कि कई पापी आत्माएं तो उन्हें देखकर मूत्र मल तक त्याग देती हैं, मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। आमतौर पर जब कभी हम डरावनी चीजें देखते हैं, भूत प्रेत देखते हैं, तो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उस वक्त मुंह से सिर्फ बचाओ बचाओ ही निकलता है। ठीक उसी तरह यमदूतों को देखकर भी प्राणी के शरीर से कुछ खास शब्द नहीं निकलते। प्राणी ये गुहार लगाता है कि यमदूत उसे छोड़ दें। कई प्राणी तो ये भी कहते हैं कि उनका अभी वक्त पूरा नहीं हुआ, वो कुछ और दिनों तक मृत्यु लोक में रहना चाहते हैं, बेटी की नौकरी और बेटी की शादी देखना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ कम करना चाहते हैं। लेकिन यमदूत प्राणी की एक बात नहीं सुनते। उन्हें यमराज से सीधा आदेश होता है कि कोई प्राणी चाहे कोई चलाकी करे या गुहार लगाए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे आदेश का पालन करना है। इसलिए इतनी विनती के बाद भी यमदूत बड़ी सख्ती से व्यक्ति के शरीर से आत्मा को निकालते हैं और उसे पाश बांधकर यमदूत के पास ले जाते हैं। उनके डर के कारण प्राणी की आत्मा हाँ बोलते बोलते शरीर से बाहर निकल जाती है। मतलब इतना तो सच है कि मृत्यु के वक्त व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलता जरूर है। अब आप सोचेंगे कि फिर क्या कारण है? वो ये नहीं बताता, इसका जवाब नहीं देता कि उसके मौत के पीछे का क्या रहस्य है। दरअसल जब आत्मा किसी भी व्यक्ति या जीव के शरीर से निकलती है तो कुछ देर तक बेहोशी की अवस्था में होती है। आत्मा अजर है और अमर है, लेकिन जब वो शरीर से निकलती है तो कुछ पल के लिए होश नहीं होता। कुछ पल बाद जब वो उठकर खड़ी होती है, अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि आत्मा की आवाज हम साधारण मनुष्य नहीं सुन सकते। जब कोई उसकी आवाज नहीं सुनता तो वो बेचैन हो जाती है, छटपटाने लगती है। उसके बाद वो दोबारा शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ खड़े यमदूत उसे शरीर में जाने नहीं देते। आखिर में मोह का बंधन कमजोर होता है और फिर उसे लगता है कि अब इस शरीर में रहकर किए गए पापों की सजा उसे भुगतनी होगी और फिर नया शरीर धारण करना होगा। ये वो कहानी है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते और कहते हैं कि विज्ञान एक ना एक दिन मृत्यु का रहस्य जरूर सुलझा लेगा। जरा सोचिए, अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हों, बहुत बड़े संकट में फंसे हों, तो आप भी बचाओ बचाओ ही चिल्लाएंगे, ना कि उस संकट में फंसने का कारण बताएंगे। या फिर हम सब लोगों को ये बताते फिरेंगे कि आपकी मौत का क्या कारण है। आप इसे नोट कर लीजिए, दुनिया के बाकी लोगों को बचाना है तो इस थ्योरी पर हमें थोड़ा काम तो करना ही होगा। कई वैज्ञानिक मौत से जुड़ी रहस्यों को पता करने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक शास्त्रों में जितनी बातें लिखी हैं, वो उन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। अभी उससे आगे जाने की बात तो बहुत दूर है। हालांकि आपको इन बातों पर कितना भरोसा है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, कुछ चीजें
जिंदगी में ऐसी होती हैं जो मनुष्य के सोच के परे होती हैं। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान देने की बजाय हमें राम नाम लेना चाहिए, यानी भगवान को याद करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। क्योंकि जहाँ कहीं ये सब लिखा है कि यमराज आते हैं, वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान स्वयं लेने आते हैं। और बिल्कुल भी उस आत्मा को कष्ट नहीं होता, वो दुखी नहीं होती, बल्कि सुकून से इस मृत्यु लोक से विदा लेती है और भवसागर में चली जाती है, यानी उसको यहाँ से मुक्ति मिल जाती है। तो क्यों बार बार जन्म लेना, क्यों इतनी परेशानियाँ झेलना? ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अच्छे कर्मों का संचय करें और हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहें, यहाँ पर भी और ऊपर जाकर भी। हमें इस बार बार शारीरिक रूप में जन्म ही ना लेना पड़े तो बस इसके लिए थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और हो सके तो किसी के चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बने और ऐसी ही हमारी वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद। Thank you.